नमस्कार। आज का विषय है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा से तात्पर्य क्या है? ये एक प्रमुख विषय है जो गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। बीए होम साइंस के अंतर्गत एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा का एक पेपर है। और ये वीडियो बनाने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि इससे उन बच्चों को लाभ मिल सके, उन स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके जो कि इस पेपर को पढ़ते हैं, इसके लिए इसका एग्ज़ाम देते हैं। तो प्रमुख उद्देश्य आज जो हम जानेंगे, जो सीखेंगे, जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। अब एक्सटेंशन एजुकेशन के आधार या उसके सिद्धांतों को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रसार शिक्षा क्या है। प्रसार शिक्षा को हम एक शैक्षणिक विधि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको उन्हीं की जो स्पेसिफिक लोकल कंडीशंस हैं, यानी कि जो विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियां हैं, उन उन्हीं परिस्थितियों में उन्हें नवाचार के बारे में जानकारी दी जाती है। और पूरी शैक्षणिक प्रक्रिया के अंतर्गत गुजरते हुए वो अपने आप उस जानकारी का उपयोग करते हुए, लेकिन फैसिलिटेशन के साथ, जो एक प्रसार कार्यकर्ता है उसके साथ, उसके सहयोग के साथ निर्णय प्रक्रिया तक पहुंचते हैं और उस नवाचार को स्वीकारते हैं। या दो संभावनाएं हो सकती हैं, स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। और हम सकारात्मक बदलाव लोगों के जीवन में चाहते हैं तो प्रमुख रूप से ये ज़रूरी हो जाता है कि हम नवाचार के बारे में उन्हें प्रेरित करें, मोटिवेशन दें। प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों के लिए ही मुख्य रूप से बनाई गई है। उसका जो उद्गम हुआ था वो भी इसी उद्देश्य के साथ हुआ था कि गांवों में जो समुदाय हैं उनको स्वावलंबी बनाया जा सके और वो अपनी उन्हीं स्पेसिफिक कंडीशंस में, उन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सके। प्रसार शिक्षा को हम एक साइंस और आर्ट्स दोनों के रूप में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके अंदर अलग अलग टीचिंग मेथड्स का उपयोग किया जाता है। अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर विधि की अपनी कुछ सीमाएं हैं, अपनी कुछ उपयोगिता है। तो प्रमुख रूप से इसको अगर हम माने तो ये एक सरलतम रूप है एक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का। एक आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, जो लोग स्कूल जाने से वंचित रह गए उन्हें भी शिक्षा के द्वारा विकास की तरफ ले जाने का प्रयास है। और इसी के अंतर्गत विकास की इस पूरी शैक्षणिक प्रक्रिया में से गुजरते हुए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम इसके सिद्धांतों को समझें। और इसी विषय के ऊपर आज का ये हमारा प्रस्तुतिकरण है जिसे हम जानेंगे। जो पहला प्रमुख सिद्धांत आ जाता है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड फैंडमेंट्स। इंटरेस्ट से क्या तात्पर्य है? एक चीज़ और प्रमुख रूप से समझना आवश्यक है सबसे पहले, और वो होता है समुदाय क्या होता है। समुदाय यानी कि कम्युनिटी, जिनका कि कुछ कॉमन इंटरेस्ट है, कुछ कॉमन गोल को लेके वो काम कर रहे हैं। और वो कोई भी हो सकता है, कोई कृषक वर्ग हो सकता है, कोई महिला वर्ग हो सकता है, कोई शिल्पकार वर्ग हो सकता है, कोई भी ऐसा वर्ग जिसमें जो कि कुछ कॉमन चीज़ शेयर कर रहे हैं। तो अब पहला सिद्धांत क्या आ जाता है महत्वपूर्ण, कि सबसे पहले तो हमें रुचि जाननी है। कोई भी कार्यक्रम या कोई भी प्रसार कार्यक्रम या कोई भी विकास का कार्यक्रम अगर हम आयोजन करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उस समुदाय के लोगों के इंटरेस्ट को जानें और उनके द्वारा अनुभूत, तो हम उन लोगों को जानें, उनकी यह आवश्यक हो जाता है कि हम उनकी फेल्ट नीड्स को जानें। फेल्ट नीड्स, अब किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता सामने से देखने पे कुछ अलग प्रतीत हो सकती है, लेकिन अगर उस व्यक्ति से उसके द्वारा अनुभूत की गई आवश्यकताओं को पूछा जाए तो उनमें परिवर्तन आ सकता है, दोनों में एक गैप हो सकता है। और इसीलिए प्रसार कार्यक्रम में ये गैप ना रहे, इसी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो भी प्रसार कार्यक्रम का आधार रहे वो समुदाय का, स्वयं का,
की रुचि हो सकती है और उनकी अनुभूत आवश्यकताएं। दूसरी महत्वपूर्ण जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी कार्यक्रम को हम स्वावलंबी बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उसमें लोगों का जुड़ाव हो और अपने आप हो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम इम्पोज करते हैं तो वो एक लिमिटेड समय तक, एक सीमित समय तक ही वो जारी रह सकती है। और अगर हम कार्यक्रम में आगे चाहते हैं कि वो एक निरंतरता उसके अंदर बनी रहे, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम सेल्फ हेल्प को बढ़ावा दें। यानी कि लोगों को कोई भी कार्य, कोई भी कौशल, कोई भी ज्ञान के बारे में बताया जाए, समझाया जाए, नवाचार के बारे में समझाया जाए, लेकिन वो अपने आप आपसी सहयोग से उस कार्य को क्रियान्वित करें और उससे सीखें। ये प्रसार शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल या सिद्धांत है वो है लर्निंग बाय डूइंग। कोई भी काम हम पढ़ लें, हम देख लें और उसके बारे में और जानकारी ले लें, तब तक वो हमारे दिमाग में उतना गहरी पैठ नहीं बनाता जब तक कि हम उस कार्य को खुद करके अनुभव नहीं लेते। क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने से हमें जो अनुभव और उसके जो प्लस माइनस पॉइंट्स उस करने की प्रक्रिया के बारे में जितनी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, उतना उसे पढ़कर या देखकर नहीं होती। हालांकि विभिन्न जो शिक्षण की पद्धतियां हैं उसमें अपना अपना महत्व है इसका, कि अलग अलग विजुअल्स का, टीचिंग एड्स का हम देखते हैं तो उसका एक अलग छाप रहती है हमें याद, हमारे याददाश्त पे, हमारे मस्तिष्क पे। तो बहुत आवश्यक हो जाता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि समुदाय के जो सदस्य हैं वो उस कार्य को देखें, समझें, उसको अपने आप क्रियान्वित करें और इस पूरी प्रक्रिया में वो शिक्षा ग्रहण करें, तो ये लंबे समय तक उन्हें बातें याद रहती हैं और इस नवाचार को वो स्वीकार भी बहुत सहर्ष रूप से करते हैं। तो बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है लर्निंग के लिए अगर हम उनको मौका देते हैं कि वो उस काम को, उस कार्य को संपन्न कर सकें। उदाहरण के लिए अगर हम लें, हमें कोई कंप्यूटर्स के बारे में या कोई स्किल जैसे कि बास्केट मेकिंग की कोई भी स्किल के बारे में उन्हें सिखाना है, तो क्या ज़रूरी है हम कितना ही सैद्धांतिक रूप से बातें बता दें लेकिन जब तक व्यवहारिक तौर पे उस कार्य को वो करके देखेंगे नहीं, वो उस टोकरी को बनाना नहीं, बता दिया लेकिन उसको बनाते नहीं हैं, तब तक वो उसके ऊपर और उस लर्निंग को हम कंप्लीट नहीं मानेंगे और हम ये आशा नहीं कर सकते कि वो उस कार्य को आगे बहुत अच्छे से संपादित कर सकते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि जो उनको सिखाया जाए, जो समझाया जाए और जो वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो उसको क्रियान्वित कर सकें, एक व्यवहारिक रूप उसको प्रदान कर सकें। इसी को लर्निंग बाय डूइंग कहा गया है, यानी कि करके सीखने की प्रक्रिया। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जो प्रसार शिक्षा का है वो है सेल्फ डेवलपमेंट। कोई भी कार्य, कोई भी शिक्षा तब तक अधूरी है अगर उससे विकास नहीं हो रहा। और विकास से तात्पर्य तीन प्रमुख रूप से, तीन आयामों में, तीन डायमेंशंस में होगा। और वो क्या हैं? सबसे पहले गेन इन नॉलेज, यानी कि आपके ज्ञान में परिवर्तन आए, कुछ सकारात्मक बदलाव आए। फिर चेंज इन स्किल्स हैं, यानी कि आपके कौशल में कुछ परिवर्तन आए, यहाँ भी हम वांछित परिवर्तन की ही बात कर रहे हैं। और तीसरा है चेंज इन एटीट्यूड, यानी कि अभिवृत्तियों में सकारात्मक परिवर्तन। ये तीनों ही चीज़ें हमें हमारे शिक्षण की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और विकास, सेल्फ डेवलपमेंट या स्व विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें इस डायरेक्शन में, इस दिशा में ज्ञान मिले कि वो अपना विकास कर सकें। सेल्फ डेवलपमेंट के बिना कोई भी कार्य अधूरा है। अगर व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को, उस परिवार को, उस समुदाय को उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो उस नवाचार या उस जानकारी के प्रति
उसको स्वीकार करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाएगा। अगला सिद्धांत जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहयोग का सिद्धांत। यहाँ सहयोग से तात्पर्य किसका है? समुदाय के, गांव के लोगों का सहयोग। सहयोग किसी भी कार्यक्रम में आवश्यक है, और अगर हम केवल सोचें कि जो इम्प्लीमेंटर्स हैं या जो प्लानर्स हैं, केवल प्लानर्स अपने स्तर पे या जो कार्यकर्ता हैं अपने स्तर पे कार्यक्रम को क्रियान्वित कर लेंगे, तो ये हमारी भूल होगी। जब तक कार्यक्रम में लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक ये संभव नहीं है कि वो कार्यक्रम विकास की उस आयाम को प्राप्त कर सके। तो कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, और कोऑपरेशन समुदाय के हर सदस्य का होना, लोग कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम में पिछड़ जाते हैं, उसका हिस्सा नहीं बनते, उसे अपना नहीं मानते, और फिर हमें लक्ष्य को प्राप्त करना, उस कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, ये अगला सिद्धांत हमने सीखा। इसी प्रक्रिया में तीन महत्वपूर्ण टर्म्स आ जाती हैं, द प्रिंसिपल ऑफ पर्सुएशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजमेंट, यानी कि अनुनय, अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन। अनुनय से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल ये उसी प्रकार से है कि हम चाहें उसी रूप से समुदाय उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। नवाचार के लिए वो हम इस प्रक्रिया को, वो सबसे पहले तो वो प्रक्रिया, वो नवाचार डिसेमिनेट हो, डिफ्यूज़ हो, यानी कि उसका प्रसार हो समुदाय में, उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों का उससे तारुफ कराना, लोगों को उसके लिए प्रेरणा देना, लोगों को उसके लिए अनुनय करना, यानी कि वो इस चीज़ के लिए पॉजिटिव माइंडसेट बनाएं और इसको अपनाने के दिशा की तरफ आगे बढ़ें। पर्सुएशन से यही तात्पर्य है कि एक सामान्य मानव मस्तिष्क जो होता है, वो कोई भी चेंज आसानी से स्वीकार नहीं करता। उस बदलाव को स्वीकार करने के लिए, स्वीकार करवाने के लिए ज़रूरी है कि हमें लगातार उसके पीछे एक प्रक्रिया के अंतर्गत लगे रहना पड़े। तो पर्सुएशन के अंतर्गत ये है कि मान लीजिए कोई कृषि से संबंधित कोई नवाचार है, कोई इनोवेशन, कोई अच्छी मशीनरी, कोई उन्नत पद्धति, कोई उन्नत तकनीक आई है जो हम चाहते हैं प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा कृषक वर्ग उससे लाभ ले सके, तो उन्हें पर्सुएट करना बहुत ज़रूरी है। और बार बार उनके बाद एक ही विज़िट में ऐसा हम नहीं उम्मीद कर सकते कि वो लोग उस आइडिया को कैच कर लेंगे और अपना लेंगे। उनको इस बात को के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए हमें समय भी देना पड़ेगा, कई प्रक्रियाओं को भी अपनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये भी होगा कि हम बार बार फॉलोअप जिसे हम कहते हैं, यानी कि उस चीज़ की पुनरावृत्ति हो, लोग उस बात को, उस आइडिया के बारे में बार बार बात करें, तब हम उम्मीद करेंगे कि वो स्वीकार करने की प्रक्रिया के अधीन है। तो अनुनय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब बार बार इसको अगर हम सरलतम रूप में समझें तो बिल्कुल वैसा ही है कि कोई चीज़ हम टीवी देखते हैं, कोई भी और मीडिया देख रहे हैं, और उसमें बार बार कोई विज्ञापन आ रहा है, क्योंकि वो बार 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 आ रहा है तो वो हमारे दिमाग में क्या होता है, एक छवि बना लेता है और वो हम ना चाहते हुए भी याद रख लेते हैं। पर्सुएट करने के लिए हमें लोगों को टेलीफोन कॉल्स भी करने पड़ सकते हैं, लोगों को व्यक्तिगत रूप से मिलना पड़ सकता है, जिसे हम पर्सनल विजिट्स बोलते हैं, फार्म विजिट बोलते हैं, यानी कि खेत पे जाके उनसे विजिट करना, मिलना पड़ सकता है। इस प्रकार की प्रक्रिया से लोगों को, या होम विजिट्स भी करना पड़ सकता है, उनके घर पे जाके इस नवाचार के बारे में, आइडिया के बारे में हम बात करें, ये आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना लोग इस आइडिया को समझने और स्वीकार करने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी प्रमुख बात आ जाती है मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा। अब प्रेरणा देने के लिए बहुत सारे मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, अनेक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है, या एक एग्जाम्पल के रूप में कोई चीज़ सेट की जा सकती है जिससे कि लोग प्रेरित हों उसको अपनाने के लिए। गांव में बहुत पहले से ही चूल्हे पे खाना बनता था, ग्रामीण महिलाएँ उसके लिए बहुत वो
ऐसी बात थी जिसके लिए उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश उन्होंने उस समय नहीं सोची होगी, लेकिन जैसे ही एलपीजी का या पहले गोबर गैस या एलपीजी का आगमन हुआ तो वो लोग उस शुरुआत में कुछ एक परिवार जो शायद इन्फ्लुएंशियल हों या जो समृद्ध हों, उन परिवारों ने उस तकनीक को अपनाया और फिर लोग उसको देख के प्रेरित हुए। सरकार के द्वारा सब्सिडी दी गई इन तकनीकों को अपनाने के लिए, ये भी एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में सम्मिलित हुआ। तो इससे क्या हुआ, उन्हें एक प्रोत्साहन मिला, एनकरेजमेंट मिला कि वो उस तकनीक को अपनाएं। तो अगर हम कोई भी नवाचार, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आइडिया मार्केट में आया, गांव में आया और हमने कार्यक्रम में उसका प्रसार किया और लोगों ने तुरंत स्वीकार कर लिया। ये बहुत ही कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही होगा जिसमें या तो वो आइडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लोगों के उपयोग का है जिसकी वजह से वो उसे तुरंत अपना लें, पर ना हमेशा समुदाय में अलग अलग स्तर के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तुरंत अपना लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो देख के अपनाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके मन में फिर भी शंकाएँ रह जाती हैं और फिर वो उसके बाद और ज़्यादा उनको कन्विंस करना पड़ता है, फिर वो अपनाते हैं, और कुछ ऐसे जो भी होते हैं जो उसके बावजूद भी नहीं अपनाते हैं। तो ये एक सम्मिलित रूप से एक मिश्रण है जिसमें कि हर तरह के लोग उस समुदाय में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि सबका स्तर अलग है, शैक्षणिक स्तर भी अलग है, मानसिक स्तर